सर दूर हो जा, पूरा होता ना। साथियों नमस्कार, मैं हूँ राघव समारामन जय घोषी यूट्यूब चैनल से। आप देखिए वर वधू जो है एक दूसरे को वरमाला पहना, अभी वर को जो है लड़की ने माला पहनाया है। और देखिए आप देख रहे हैं कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपन्न हो रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये जोड़े जो हैं देखिए, अब शहनाई का पूजन होगा। करते रहिए, घुमाते घुमाते रहिए, इधर घुमाते। आप कुछ कहिए, कैसा लग रहा है आपको? कहाँ से हैं आप, पहले तो बताइए कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ, आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गौतम। अच्छा, तो ये शादी जो हो रही है आपका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, या नहीं देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। ये इस तरह से गरीबों के लिए बहुत बहुत बड़ा सहयोग है उनका, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? स्नेहा कुमारी नाम है मेरा। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरी BA है, ग्रेजुएशन। और जो भी ये लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ये यूपी गवर्नमेंट यानी योगी जी की तरफ से सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है, इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हमारे जीवन पे ये है कि हम गरीबों लोग को ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि सहायता मिलेगी, इससे बहुत लोगों का मतलब कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो आप जो है, जैसे आपके शादी के लिए हजारों की बचत किया है सरकार ने, तो और क्या चाहती हैं कि सरकार हमारे लिए, गरीबों के लिए जिनका जो है विवाह करने में अक्षम है उनके लिए? तो विवाह की व्यवस्था कर दी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, इसके अलावा क्या चाहेंगे आप दोनों? सर जितना भी है बहुत है, आई थिंक बहुत है हम लोग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जितना भी हो सकता है सभी लोगों का हो जाए। वही उम्मीद है। तो सरकार ने आप लोगों का शादी का जो खर्च था वो वहन किया है, तो आप अपने जीवन में कैसे चलाएंगे, जीवन की गाड़ी को कैसे चलाएंगे? जैसे एक परिवार एक पति पत्नी चलाते हैं, उसी तरह हम लोग भी चलाएंगे, गाड़ी के दो पहिए की तरह से करेंगे। सरकार की जो मंशा है कि जीवन इनका सुधर जाए, मिलजुल करके कार्यक्रम करेंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे, कोई धंधा करेंगे या परिवार को चलाएंगे ना जी। ये आपकी माँ है क्या? हाँ। देखिए ये आजमगढ़ से लोग आए हुए हैं और लड़की की माँ। इधर आइए, इधर। आपका नाम क्या है मैडम? रीता। आइए बीच में, पहले आशीर्वाद दीजिए इन दो लोगों को। बीच में यहाँ आ जाइए, बीच में दोनों लोगों के हाथ पर हाथ रखिए, दोनों लोगों के सिर पर हाथ रखिए। देखिए आशीर्वाद दे रही हैं। आपका नाम क्या है? रीता। आपका नाम क्या है? मेरा रीता नाम है। अच्छा अच्छा, ये जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप गाजीपुर आ गई हैं जी, जी। तो यहाँ पे जो आपके ये दामाद है, आपकी बेटी है जी। यह जो कार्यक्रम सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, इससे जो गरीब का है, गरीब का बहुत बड़ा उपकार हो रहा है जी। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत पहले बात उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे जी, जी। जो कि ऐसे हजारों गरीब की घर की बेटियां हैं जो माँ बाप उनकी सही से शादी नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से तो पहली बात मैं कहूँगी कि ये शादी जो हो रही है एक तरफ से सरकार की नज़र में हो रही है, ताकि जो लड़का और लड़की एक बंधन में बंध रहे हैं उसमें कोई अलग होने की कोई संभावना नहीं है। एक तरह से प्रूफ है। अच्छा अच्छा, एक तरफ से प्रूफ है। आपको सर्टिफिकेट इन लोगों को मिला है जी? जी। अच्छा, इसके अलावा बताइए आपको कुछ जेवर वर मिले हैं? जी हाँ, पायल भी मिले हैं। अच्छा, जी। कुछ नगद भी मिले हैं? अभी तो मिले नहीं है। मिलेंगे जी जी। नहीं, सरकार जो है हर व्यवस्था कर रखी है, और जो है इस कार्यक्रम में लड़की के लिए, लड़के के लिए और एक सर्टिफिकेट भी दिया है, सारा कुछ जितना भी खर्चे आ रहा है, एक्सपेंसेस है, सब कुछ वहन कर रही है, इसलिए सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूँगी कि सरकार ने जो किया बहुत ही अच्छा किया गरीबों लोगों को। हाँ। कि एक तरफ से सभी गरीब की बेटियों का हाथ पीला हो रहा है, इसलिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, आभारी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 277 जोड़े वर वधुओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहा है। यह बहुत बड़ा पुनीत और बहुत बड़ा एक यज्ञ के समान है। अभी जोड़े और जोड़ों की माँ से आपने पूछा सम देखा कि बहुत ही अच्छा उद्गार किया कि ये सरकार बहुत बड़ा पुनीत कार्य कर रही है और गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है और इससे बहुत लोगों का उपकार हो गया है, हजारों की बचत हो गई है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको सुचारू रूप से चलाएं और सरकार को धन्यवाद दें और सरकार आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए संवेदनशील है। इसी के साथ जय हिंद जय घोष नमस्कार प्रणाम। साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं कि आज यहां पे पंडाल में आरटीआई मैदान गाजीपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 277 जोड़े शादियों का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये दो जोड़े हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार कहाँ से हैं आप? बनारस से। बनारस से। और ये जो आपकी शादी कहाँ हो रही है? सर गाजीपुर। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका आपको आपके जीवन में क्या संदेश आएगा? अच्छी ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है जी, इससे आपको क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। कितना पढ़े हैं आप? हाई स्कूल। तो ये जैसे आप कुछ करते हैं जी? क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना जी। तो गाड़ी चलाते हैं आप, तो आप दोनों की शादी हो गई जी। तुम्हारा नाम क्या बेटा? आरती। तो ये दोनों जो है गाड़ी, जीवन भी एक गाड़ी है ना, और ये दोनों लोग चक्के के समान हैं। तो ये जो पंडित जी ने सामूहिक रूप से आपको वचन कराया है, तो जीवन की गाड़ी आप तो गाड़ी ट्रैक्टर चलाते हैं ना जी। तो इस गाड़ी को भी आप सही चलाएंगे ना जी? ये दूसरी पहिया है, एक पहिया आप है और दोनों मिल करके इस जीवन की गाड़ी को चलाएंगे। शपथ दिलाया जाता है ना? आप कौन है? मैं नाना हूँ, लड़की का नाना है। तो ये लोग को आशीर्वाद दिए हैं? आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद पीछे आशीर्वाद दे दिया ना। हाथ पैर उस पर रखिए, सर पे हाथ रखिए। देखिए नाना है लड़की के और ये आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जीवन की जो गाड़ी है जो है चलती रहे, कभी भी किसी तरह का व्यवधान या रुकावट ना है। आप कौन है? मम्मी है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे जो भी वर वधु आए हुए हैं सब लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिससे गरीबों का बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। भैया आपका नाम क्या है? रंदर। कहाँ से हैं आप? राजनपुर। ये जो कार्यक्रम हो रहा है क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? पूजा कुमार। ये कार्यक्रम जो हो रहा है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सरकार की योजना है इसका गरीब के लिए क्या है योगदान? सही है, बहुत अच्छा है ना। आप लोग मिलजुल करके गाड़ी चलाएंगे ना, जीवन की गाड़ी चलाएंगे ना। चलिए बहुत अच्छा है। साथियों मैं चलता हूँ उधर पंडाल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जय घोष यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं। इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय घोष। धन्यवाद संचालक महोदय। आज स्टेडियम के परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 277 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें से कि 4 मुस्लिम जोड़े भी हैं और ये मेरे कार्यकाल में चौथी बार हो रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में हर बार बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत, नगर पालिका और एक्सिक सदर की अगुवाई में CDO साहब के मार्गदर्शन में आयोजित होता है। ये कार्यक्रम और ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो सोच है उसका द्योतक है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर जो मानसिकता होती है नकारात्मक मानसिकता, उसका एक बड़ा कारण होता है कि उससे विवाह को कैसे कराया जाए। विवाह में काफ़ी आर्थिक बोझ लड़की के परिवार को सहना पड़ता है और उसी सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया। देखिए कितनी सहजता से आप ही के समक्ष 5 कार्यक्रम इस साल आयोजित हुए हैं, जिसमें भारी संख्या में जोड़ों का विवाह बहुत ही सरल तरीके से आप सबके समक्ष हुआ है। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए और जिन परिवार में बेटियाँ हैं
उनको सशक्त करने के लिए, उनको ये संदेश देने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ये योजना है कि बेटियां किसी के ऊपर भार नहीं है, वह जन्म से लेकर के आगे अपनी शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दें और आगे जब उसकी शादी का समय आए तो भी गरीब परिवारों की बेटियों के साथ शासन प्रशासन खड़ा है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी शादी भी कराई जाएगी जिससे परिवार पे कोई बोझ नहीं आएगा। तो आज आप देख भी रहे हैं कि इस परिसर में मंच पर मेरे साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया भी बैठी है, स्वयं महिला है, SDF सदर बैठी है जो महिला है। मैं इस मंच के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सौभाग्यशाली उसे हर वो अवसर दे जो आप अपने बेटों को देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य के लाभ उपलब्ध कराएं और आगे उसको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करें। विवाह को भी कभी बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए, जो भी उसका जीवन साथी हो उसको बहुत सहजता से स्वीकार करें और इस तरह के कार्यक्रम से उसका विवाह भी संपादित कराया जा सकता है। तो इस सुंदर आयोजन के लिए मैं मुख्य विकास अधिकारी और उनकी पूरी टीम को आभार प्रकट करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और हमारे साथ मंच पे उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया और साथ ही ब्लॉक प्रमुखगण भी उपस्थित हैं, आपको भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जिलाधिकारी गाजीपुर। धन्यवाद जिलाधिकारी।